वेलकम टू माई चैनल ड्राइविंग बाय करामी। तो फाइनली एम पी अगस्ता ने इंटरनेशनल मार्केट में F3 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है एम पी अगस्ता F3 रोसो। तो इंडियन मार्केट में तो शायद ही आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो अगर इंजन वाइज देखा जाए तो इसमें 798 cc का इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन लगा हुआ है यूरिफाइंग इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से। और पावर वाइज देखा जाए तो 145 bhp की ताकत निकलता है ये 13,000 rpm पे, और 87 Nm ऑफ टॉर्क निकलता है 10,100 rpm पे। जो ओल्ड मॉडल हुआ करता था इसका, उसमें सिर्फ 1 bhp ज़्यादा है, 146 bhp थी और 88 Nm ऑफ टॉर्क था। और इसमें सिलेंडर में DLC कोटिंग की गई है, जो कि इंजेक्टर और जो इसमें जो घर्षण होता था उसी लिए इसके वॉल्स और इंजेक्टर को भी नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एग्जॉस्ट में भी इसमें काम किया गया है, जिसके कारण पावर और स्पीड में पहले से ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। साथ ही कंपनी में ने नए ECU और बाई डायरेक्शनल फ्लो इंजेक्टर भी रेडिएटर भी बाइक में दिया गया है। फीचर्स वाइज देखा जाए तो इसमें आपको अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक पैकेज मिलेगा, जो कि न्यू IMU इनर्शियल प्लेटफॉर्म, जो कि हमें कुछ एडिशनल एड्स देता है, प्रदान करता है, जस्ट लाइक कॉर्नरिंग ABS, लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हीली कंट्रोल। नए बाइक में आपको ब्लूटूथ अनेबल 5.5 TFT डिस्प्ले भी दिया गया है, जो कि MP अगस्ता ऐप को सपोर्ट करता है। 6-speed ट्रांसमिशन, 3rd generation बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी इसमें मिलता है। काफ़ी बहुत बढ़िया बाइक है ये। अब देखते हैं अगर ये इंडियन मार्केट में आती है तो इसका कॉस्ट क्या रहता है। कॉस्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो जो पुरानी बाइक थी वो अराउंड 90-20 lakhs तक की थी। अब ये क्या, मतलब ये क्या लेवल पे जाती है, इसे MP अगस्ता कैसे पेश करता है इंडिया में, देखते हैं ये आती भी है या नहीं आती, ये तो आगे देखा जाएगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अगर पसंद आया है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय।